अरे नहीं कर सकता तेरा, तू अभी ये बता पैसे कितनी देर में दे रहा है? पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ नहीं है पैसे? पैसे निकलवाओ। तेरे पैसे नहीं है? अबे बचपन से तेरे साथ हूँ, स्कूल टाइम से तेरे पे खर्चा करवाया। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अमन से। अमन कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? आई एम गुड यार। अच्छा आप बताओ मेरे को, आप इंस्टाग्राम पे जो भी आपने मेरे को मैसेज किया, जो भी डीएम किया, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो जिंदगी में, जो जो चीज़ों से आपको तकलीफ हो रही है, दर्द दुख, सब आज पब्लिक के आगे बता दो। सामने कैमरा लगा हुआ है, 23 से 24 लाख वहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं, तो जो भी आप मेरे से हेल्प चाहते हो वो आप बता सकते हो सामने। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा बताते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है। जो मेरी वाइफ है ना, वो मेरे साथ चीट कर रही है। मैं काफ़ी दिन पहले आपकी वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि आपने काफ़ी अच्छे से लोगों की हेल्प करी है। उसी से मैंने सोचा कि आपको, मैंने भी ट्राई करा कि आपसे हेल्प ली जाए। एक्चुअली मैं क्या हुआ कि अभी थोड़ी फिलहाल में मेरी शादी हुई है। कितना टाइम हो गया आपकी शादी? मेरी शादी को 3 महीने हो गया। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैंने उससे उम्मीद नहीं करी थी ऐसे कि वो कभी ऐसा करेगा, लेकिन उसने जो मेरे साथ करा है ना, ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसा क्या किया जो आपको दोस्ती से भरोसा उठ गया? क्या बताऊँ, मेरे को बताते हुए भी बहुत। हेजिटेट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आप मुझसे हेल्प लेने आए, आपको पता था कि यहाँ पे पब्लिक तो देखेगी वो सारी, तो बात कुछ ऐसी है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको हिम्मत करके बताना होगा सामने, क्योंकि अगर पब्लिक को बताओगे नहीं तो उनको समझ में आएगा नहीं। ठीक है मैं बताता हूँ। हमारे 3 महीने पहले शादी हुई। ओके। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे अच्छे से हमारे लव मैरिज थी, 2 साल से हम रिलेशनशिप में थे। पता नहीं एकदम से उसको क्या हुआ, एक दिन मैं जल्दी आया घर से, मेरा जल्दी काम वर्क कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा कि आज हम कहीं आउटिंग करते हैं। ओके, सैटरडे जॉब करते हो आप? जी, वो मेरे और जो मेरा दोस्त है वो मेरे साथ ही काम करता है। ठीक है। तो मैंने सोचा आज सैटरडे नाइट है, कुछ आउटिंग करेंगे, काफ़ी दिन हो गए थे हम कहीं गए नहीं थे। ओके। तो मैं क्या देखता हूँ घर जाके, मैं घर जाता हूँ, मैंने सोचा कि मैं सरप्राइज देता हूँ आज उसको जाके। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा की रहती है घर की ऑब्वियसली, तो जैसे मैं घर में गया, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ बचपन से है, जिसके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, उसके साथ हम बचपन से रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाई लिखाई, और वो मेरे साथ काम भी कर रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ और वो दोनों बेडरूम में एक साथ हैं। ओह शिट यार, मैं समझ रहा हूँ आपको कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, कितना ज़्यादा बुरा लगेगा यार, संभालो अपने आप को। सो गाइस, आपने सुना, बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड यार, मतलब ये चीज़ें पब्लिकली ये डिस्क्लोज कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, कि मतलब समझ रहे हो कि 3 महीने अभी सिर्फ शादी को है, और शादी से पहले आप रिलेशनशिप में थे, लव मैरिज? हमारे लव मैरिज है, 2 साल का हमारा रिलेशन था, फिर भी 2 साल रहने के बाद भी शादी करने के बाद रहते थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आपने उससे बात करी कि वो चाहती क्या है, उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, अभी मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी है। ठीक है, तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे से क्या हेल्प चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ें क्लियर हो जाएं, वो क्या करना चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है, वो ये जानना चाहती हूं। मैं ये चाहता हूँ कि वो चाहती क्या है, जब हमारे साथ सब कुछ ठीक था, हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे ना कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, ना किसी पैसों की डिमांड वगैरह, कुछ पैसों की डिमांड हाँ थोड़ी बहुत, तो वो तो मेरे को उस चीज़ से कमा किसके ले रहे, मैंने उसी के लिए कमाया सारा, मैंने खुद अपना एम्पायर बनाया, ऐसा नहीं है मैंने अपने घर वालों की तरफ से हेल्प लिया, सारा मैंने खुद करा है। उसको मैंने बोला था कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं उसने पैसों के लिए सब किया हो, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, या फिर आपका मतलब कुछ वो आप हासिल करना चाहती हो ऐसा, इसलिए उसने शादी की हो? क्योंकि अगर प्यार होता है इंसान किसी और के साथ जाके नहीं ऐसी तैसी कराता फर्स्ट ऑफ ऑल। हो सकता है मैंने इसी चीज़ के लिए मैंने इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पर डीएम करा कि मेरे को पता लग जाए, मैं बहुत परेशान हूं। आप जानना चाहते हो कि उसने आप धोखा क्यों दिया जी, है ना, चीज़ रीज़न क्या है पीछे। ठीक है, आप एक काम करो फिर, जैसा मैं बोल रही हूँ आप वैसा करो, एक काम करो, उस बंदी को फ़ोन लगाओ। ठीक है, नाम क्या आपकी वाइफ का? संजना। संजना को फ़ोन लगाइए, स्पीकर पे फ़ोन रखना, और उसे बोलो एक काम करो, उसे जानना है ना हम लोगों को कि वो पैसों के लिए तो नहीं किया उसने सब, तो एक काम करो उसे बोलो जो हमने लोन अप्लाई किया था ना, ठीक है, वो ना मेरे को अप्रूवल मिल गया उसका लोन का, और हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो ना तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें थोड़े से पैसे वैसे दे के तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाए, कल को तुम मुझे ये भी ना बोलो कि डिवोर्स हो गया तो फिर पैसे वैसे भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, तो मैं उसको इस चीज़ का थोड़ा सा लालच दे के देखते हैं कि वो पैसों के लिए तो उसने ये सब नहीं किया, या फिर सच में उसे किसी और से प्यार हो गया, अट्रैक्शन था। तो ये दोनों चीज़ों में ना हम लोग दोनों ही कन्फ्यूज़ है यहाँ पे कि वो
चाहती क्या, क्या उसे उस बंदे से प्यार है? क्योंकि अगर यार प्यार तो था नहीं, अपने पति को छोड़ के जो किसी और के पास है तो उसे प्यार नहीं बोलता। तो दूसरा चीज़ आता है लाइफ में पैसा, मनी। तो हो सकता है उसने मनी के लिए सब किया हो। तो आप एक काम करो, फ़ोन लगाओ उसे और उसे ये बोलो कि जो लोन मैंने लिया था ना, मैंने लोन लिया था तुम्हारे लिए, हाँ वो अप्रूव्ड हो गया है, तो मैं वो तुम्हें पेमेंट देना चाहता हूँ। और फिर देखते हैं वो आती है नहीं आती पैसों के लिए। तो आप फ़ोन लगाओ उसे और स्पीकर पे फ़ोन रख देना। हेलो। हाँ जी संजना, कहाँ पे हो? क्या हुआ? कुछ बात करने थे मेरे को। तुम कहाँ पे हो? जो बोला था वो काम हो गया? हाँ, जो लोन मैंने अप्लाई करा था उसका अप्रूवल आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से मिलो एक बार और वो मैं पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तो पैसे निकाल करा नहीं क्या? मैं तुम पैसे वगैरह लेके नहीं आए क्या? तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ तुम्हारे से। साथ में चलोगे ना फिर पैसे निकालने? हाँ, पहले तुम यहाँ पे आओ। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ, लोकेशन सेंड कर दो मुझे। ठीक है। बातों से लग रहा है पैसों के लिए ही सब किया है, बाकी देखेंगे। उसके मुंह से खुद ही निकलवाने के लिए हम लोगों से यह बुला रहे हैं, पैसों का लालच दिया तो एक मिनट में लड़की रेडी हो गई है। तो गाइस वेट करते हैं, पहले आपको मैं माइक देके जाऊंगी यहाँ पे, जब तक वो आती नहीं है। ठीक है, लोकेशन उसको सेंड कर दी आपने? हाँ, लोकेशन सेंड कर दी। तो मैं आपको माइक देके जाऊंगी, माइक आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि उसकी जो सारी आवाज़ कैप्चर हो जाए आप तक। और मैं फ्रेम से आउट हो रही हूँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी, कैमरा लगा हुआ है सामने और मेरी टीम पीछे ही है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और मैं पीछे ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ठीक है, क्या हाल है तेरे? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ? तू क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेरे साथ आया? हाथ तो मत लगा, नीचे बैठ जा नीचे। पैसे कहाँ? पैसे लाए नहीं? पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, पहले मेरे को बताओ। मिल जाएंगे यार, अरे बैठ तो जा पहले। हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? तो बैठ के बात करो ना। फिर से बोला ना, बैठ जा। उसको टच क्यों, क्या मतलब उसको क्यों टच कर रहे हो? बात करना है ना, आराम से बात करना है ना। मैं उसके साथ हूँ। बाहर घूमती रहूंगी तुम्हारे चक्कर में, इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। तो तुम किसके चक्कर में हो ये बताओ ना। तुम्हारे आए तुम्हारे चक्कर में हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें क्या बोला था? देखो यहाँ पैसों के लिए बुलाया था ना, तुम बस मेरे साथ पैसों के लिए हो। मैं तुम्हारे साथ अब पैसों के लिए भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास के पैसे देना भी नहीं है। मैं तू तो इसको कुछ भी नहीं रख पाता। तुम्हारे पास पैसे देना भी नहीं है, तो इसलिए पैसों के लिए भी नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो फिर मेरे को बताओ ना क्या चाहते हो, क्लियर तो बताओ। तुम मेरे को बेच दिया यार, ना तुम पैसा दे रहे हो ना प्रॉपर्टी के लिए। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, मतलब तुम क्या चाहते हो? मैं क्यों, तुमने मेरे से शादी किस लिए करी? तुमने शादी किस लिए करी मेरे से? शादी की थी प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए। अच्छा ये तो बता, जब शादी करनी थी किसी और से करते ना, तुमने मेरे साथ ऐसे चीट किया। शादी किसी और से है जिससे शादी है वो मेरा, तू तो खाली सपोर्ट में है। तुम इसके साथ किस लिए आई है तो बताओ। पैसा है, सब कुछ है, देता है वो मुझे, तेरे का वेला नहीं है। खर्चे करवाता हूँ, ऐसे नहीं कर रहा, कुछ करता है तेरी तरह। बचपन के दोस्त ने मेरे को चीट किया है, तुम दोनों ने मिलके मेरे को चीट किया। बचपन की दोस्ती तेरे को पता है, स्कूल टाइम से आराम ही हूँ। सुन, इससे मैंने तेरी शादी करवाई, सबसे आगे मैं था। अच्छा, तुम पहले से थी, ये सारे पहले से हमारा कनेक्शन था भाई। नहीं यार, तू तू खुद तो सोचो ना, तुम्हारे पास पैसा है ना कुछ हो, तुम्हारे साथ रहेगा क्यों कोई? ये ऐसी परेशान रहेगा, ये कुछ कह सकता, तूने किससे शादी करवाई थी? मैं खुद बचता रही हूँ यार, आज के टाइम इनके पास आगे परेशान हूँ। मेरे को ये बताओ, तुम पैसे लेके आए नहीं आए? पैसे लेके आए नहीं? क्या चाह रहे हो? पैसे किस लिए दूं मैं तुम्हें? दिमाग खराब कर रहा है। तुमने मेरे साथ चेट किया और मैं तुम्हें पैसे नीचे, हाँ नीचे बैठ के बात कर, खड़ा मत हो, चिल्लाओ मत। तुम क्यों नहीं चिल्लाऊं? एक ही चीज कितनी बार समझाऊं? फोन पे क्या बोला था? पैसा लेके आ रहा हूं, पैसा लेके आ रहा हूं। कहां है तेरा पैसा? तुमने ना मेरे को परेशान कर दिया। पैसा है, तुम बस पैसों के लिए मेरे साथ। तूने मेरे को परेशान कर दिया, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। फिर क्या करेगा? अच्छा क्या करूं बताओ मेरे को, क्या चाहते हो? क्या अच्छा कर रहा है मेरे साथ? तुम बताओ मैंने बुरा क्या करा तुम्हारे साथ? बुरा क्या? तू मेरे को कुछ लाके नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा। तूने मेरे को नौकर की तरह घर पे लाके डाल दिया। दो साल का हमारा रिलेशनशिप था, दो साल को मैंने चलवाया तेरे साथ, 3 महीने हम साथ रहे। तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम दिक्कत बताओ ना, तुमने चीट क्यों किया? दिक्कत बता रही हूं तेरे को, मुझे लगा शायद तू 2 साल में चेंज हो जाएगा। अरे ये नहीं हो जाएगा, ये तो बचपन से मेरे साथ है। कुछ नहीं करा तूने मेरे लिए, कुछ करा? अपने माँ बाप के लिए मैं कुछ नहीं हूँ लाइफ में। क्यों शादी करी थी? शादी करने से पहले सोचता ना कि मेरे को माँ बाप के पीछे लग के रहना है। तू नौकरी
आया कि मेरे को इस घर में तेरे घर का काम करूं, शादी करके फैमिली के साथ ही रहना होता है। अरे नहीं कर सकता तेरा, तू अभी ये बता पैसे कितनी देर में दे रहा है? पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ नहीं है पैसे? इससे पैसे निकलवाओ। तेरे पास पैसे नहीं है? अबे बचपन से तेरे साथ हूँ, स्कूल टाइम से तेरे पे खर्चा करवाया है मैंने। ओए क्या हो गया? कौन है भाई? मारपीट कर क्या मारो मारो फिर। आप कौन इंसान है वो? अरे कौन है ये? तू कौन है? इसकी बीवी है ना? तू कौन है? इसकी बीवी है ना? हां मैं इसकी बीवी हूं। तू बैठ जा चल पहले तो यार। क्यों चला ना? क्यों बैठ जाऊं? इसकी बीवी है ना तू? अपने पति पे हाथ उठाएगी? उठाऊंगी। मेरी कौन है? कौन है? पता लग जाएगा। कौन है? बॉयफ्रेंड है मेरा। आशिक है तेरा? अच्छा शादी होने के बाद भी तेरा आशिक है? अच्छा क्यों? तो मतलब प्रॉब्लम किसके लिए शादी की तूने इससे? शादी पैसों के लिए की? अब ना बोल रहा भाई पैसों के लिए शादी हुई थी। पैसे अब नहीं मिलेगा तो क्या करेगी तू? पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगी ये बेटा? इसको तो मैं देख लूंगा आराम से। क्या बोल रही थी इसको कल रात? मेरे को डाइवोर्स चाहिए। अच्छा डाइवोर्स चाहिए? हां मुझे मिलेगा। अच्छा क्यों? दो साल रिलेशनशिप में क्यों रही इसके साथ? दो साल भी मुझे नहीं पता था शादी के बाद ऐसे रहेगा। ये दोनों मेरे के मिलकर तू जाके सो रही है उन लोगों के साथ? तू जाके और लोगों के साथ सो रही है पैसे के लिए? क्या इसने कहा मेरे से सोने के लिए? सब कुछ बता क्या किया? क्या करता है? तूने देखा क्या है? अच्छा जो सब कुछ करता तो इसके साथ रहना? तू रहना तो पैसा क्यों मांग रही है फिर? जब सब कुछ रखना चाहता है साथ में बहुत हो रहा है तेरा। क्या बहुत हो रहा है? तू कब से मार रही है ना? मैं कब से देख रही हूँ और तू भी चुप रहा है। तू भी अपनी आवाज धीमे रख। हाँ यही करके लोगे तुम दोनों वो अपने यार से शादी करनी चाहिए थी ना, इससे क्यों करी? कमा ले फिर अपनी कर ले। ये क्यों करेगा? मेरे को तो डिवोर्स चाहिए इससे। तो तुम दोस्त की बात चाइल्डहुड फ्रेंड था ना तू इसका है ना? बचपन से दोस्त है ना तेरे साथ ही बचपन के साथ हरामी था। इसको स्कूल टाइम से यूज कर रहा हूँ। अच्छा स्कूल टाइम से यूज कर रहा है, सुन लिया तुमने? गलती इसकी ना ये है, गलती मेरी है। तुम भरोसा किया है? भरोसा नहीं है। ठीक है तूने हर बार उसको पैसे में यूज किया दोस्ती में और अब तेरी नजर भी डूबी पैसे। क्या पैसे देता है वो पैसे देता है क्या? इसके बस की नहीं है कुछ भी। कहाँ पैसे देता? अरे सोने के लिए तेरे ना शौक बड़े हो गए हैं। क्या शौक बड़े हो गए हैं? पैसे वो तेरे को स्टार्टिंग से दे रहा है हर चीज। अपने मां-बाप को देता है करता है वो। इसने मेरे को घर पे लाके रखा नौकर बना के कि मेरे मां-बाप की सेवा कर, उसकी सेवा कर। क्या काम करा तुमने? क्या काम नहीं करा? अच्छा चल ठीक है, एक लड़की घर संभालती है तो उसके बाद अगर मतलब तेरे को पैसा नहीं मिला एक महीना, उसका काम डाउन था, उसका काम डाउन था एक महीना पैसा नहीं मिला, तू सोचा कि किसी और के साथ? क्या काम डाउन था? डेली बाहर कैसे कराने जाता है? तेरे को अच्छे से पता है लॉकडाउन रहा है? क्या लॉकडाउन रहा है? हर चीज रहा है भाई। बाहर जाता है ऐसे कराता है? तू क्यों जाता है बाहर? घर में पड़ा रहता है? नौकरी करता है वो? ऐसे कैसे नहीं कराता? नौकरी करता है, मेहनत की कमाई से तेरे हाथ में हर महीने पैसे लाके देता है। जब बीवी को लाके नहीं देता तो क्या फायदा? क्या पैसे? अच्छा चल ठीक है, बीवी को पैसा लाके नहीं दिया तो बीवी सो जाएगी क्या किसी और के साथ? जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ जाएगी। सोने वाली बात पैसों के लिए नहीं है वो, अपना पुराना लफड़ा है। शर्म नहीं आई? क्या शर्म आएगी मेरे को? बचपन से तो उसका दोस्त है, उसी की बीवी पे गंदी नजर है। उसकी बीवी बनवाई किस लिए थी मैंने? इसलिए तो बनवाई थी। मैं तो कर सकता था डायरेक्ट। पैसे के लिए कराई थी? पैसों के लिए थोड़ी कराई थी। उसकी बीवी मेरा काम चलता नहीं। पहले से तुम मिले हुए हो ना? अबे हम पहले से ही मिले हुए हैं। तेरी शादी मैंने इसीलिए करवाई थी ताकि मैं इसके कनेक्ट में हो जाऊँ। अच्छा तो क्या हुआ? कब तक छुपा लिया तुम लोगों ने? कब तक छुपा लिया? जो था ये सारी चीजें झूठ। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। हम किसको पता है? सिर्फ तुम इसको पता है और मेरे को पता है। ये किसको? ये तेरी गलत फहमी है, ये तेरी गलत फहमी है। अगर तूने इसके अलावा किसी को बताया मार दूंगा तेरे को। सुन हाँ 23 लाख लोग देख रहे हैं तेरे को अभी। सब बकवास है। 23 लाख देख रही है? दुनिया देख रही है मेरे को? दुनिया देख रही है? कोई नहीं देख रहा मेरे को। दुनिया देख रही है? तुम जैसे जो होते हो ना मेरे फाड़ने वाले, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। जाते हैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरे को पता लग जाएगा। मैंने वो अभी पता लग जाएगा तेरे को। किसको लाया है? क्या तू ये लड़की तू सिर्फ पैसों के लिए किसी और बंदे के साथ जाके लाता किसी आदमी ना कट्टे बंदे को लाता है? पैसा कोई कोई इतना डर नहीं है तेरे को? बीवी किसी के पास ना जाए। चुप रहे, प्रॉपर्टी चाहिए ना तेरे को? तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए ना? मुझे पैसा भी चाहिए। सामने ना कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पे ना 25 लाख लोग देख रहे हैं और मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो 25 लाख लोग जितने देख रहे हैं ना, इसका ना इसका नंबर अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, इसको ना जाके ना
भीख दे देना, थोड़ी सी भीख दे देना। ये वो लड़की है जिसने जिसने पूरी जिंदगी खराब किया। वो दो दोस्तों की वजह से कभी इंसान कोई किसी दोस्त पे भरोसा कर नहीं। ये लड़की कौन है? ये वो यूट्यूबर हूँ मैं, यूट्यूबर हूँ और कैमरा लगा। ये सब क्या हो रहा है? और रेड सेवन पता लगेगा तुम्हें। बात कर रहे थे रेड सेवन नाम है। बात आराम से बात हो रही है। दोस्त नहीं यार तू, कैमरा बंद करवा। दोस्त है, हाथ मत लगा, लायक नहीं है। तो पता लगेगा, कैमरा तो बंद करा, बात कर लायक नहीं है। तो उसके दोस्त थी के, और तू कैमरा बंद करो। तू जैसे घटिया औरतें ना, कैमरा बंद करा दो यार। कैमरा बंद नहीं होगा, जो घर तो बस आ नहीं सकती और जगह जाके मुंह मारती है। तू जैसे घटिया यार, ये कैमरा बंद करा दो, वीडियो डिलीट कराओ प्लीज। यहाँ से निकल और अब सुन, सुबह 11 बजे ना अपनी वीडियो देख लेना। दोस्ती खराब की है और सबको पता लगेगा। कैमरा बंद करवा, बात कर रहे हैं हम दोनों खड़े हो गए। क्या हस्बैंड छोड़ गया? कुछ नहीं हो सकता भाई, तूने बहुत इस्तेमाल करा मेरा, बहुत यूज किया ना, कर लिया ना, कर लिया ना। कैमरा बंद करवा लो आप। उसके पास वर्ड्स नहीं है बोलने को, ठीक है? मैं मानता हूँ, आई नो इट। जोड़ पैर पकड़ कुछ भी कर, तेरी दुनिया के आगे तो उसलिए दिखाऊंगी मैं तुम दोनों की। तुम्हें पैसा चाहिए ना? अरे मैं तेरा डिस्क्रिप्शन में तुम दोनों का नंबर दे दूंगी। मेरे को ये नंबर देगा अभी तुम्हारा, तो तुम्हें भीख दे देंगे लोग। टेंशन मत ले उस चीज़। अरे हमें नहीं चाहिए, हमारी वीडियो डिलीट कराओ। कम से कम लोगों की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होगी, भीख दे देना इनको। कैमरा बंद कराओ, हमें कुछ कैमरा बंद तो नहीं होगा। मैं इसको छोड़ रहा हूं, पैसा भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। कैमरा बंद करा दो, कैमरा बंद करा दो। ये सुन, मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। क्या बोल रहा है? जब तुमने मेरे साथ करा, कैमरा बंद करा दो, मैं इसको छोड़ दूंगा। अरे जी लड़की, मेरे को कैमरा बंद कराओ पहले। देख रहा है, मैं तो जा रहा हूं। देख रहा है, एक मिनट, क्या हो गया? आप क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया? अरे तू तो उससे प्यार करते हैं, तू तो उससे प्यार करते हैं, क्या हो गया? सब प्यार है। तूने तो अपनी दोस्ती के दोस्त से टुकरा दी। बंद करा, रेपुटेशन, कैमरा बंद करा। तेरी भी इज्जत है, तेरी भी इज्जत है। क्या बोल क्या रहे हो तुम? तुम्हारे चक्कर में मेरे याद रखना, सुबह 11 लियो सुबह। चिलिंग रिलैक्स थोड़ा सा। मतलब तुमने देखा, जब मैंने उसको बोला कि लड़के को बोला कि कैमरे वैमरे की बात है, तो उसने बोला कि कैमरा बंद कर दो, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। इट मीन्स कैमरे का इतना डर था। अब नहीं दिख रहा उस बंदे को कि मतलब मैं इससे प्यार करता हूँ, और उसने एक दोस्ती खराब किया और एक मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी तोड़ दिया। सो गाइज, ऐसे लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहो। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है, जो मतलब पैसा ऐसी चीज़ है ना, मतलब आज के टाइम में लोग कितना गिर चुके हैं पैसे के लिए, सीरियसली। मतलब साथ लेके अब हम लोगों को कुछ नहीं जाना है ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तुम इतने अच्छे लोग खो रहे हो जिंदगी में, सिर्फ पैसों के लिए कहीं और जाके मुंह मारे हो, वो बहुत ही गलत है। आप कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। अब आपके सामने है, कैसे इन्होंने रिएक्ट करा है मेरे साथ। कुछ नहीं करना आपको, बस इतना करना है। मैं ये जो क्लिप्स है ना, ये जो पूरी वीडियो बनी है, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगी। इन वीडियो की आपको क्लिप मेल लगाऊंगी, ठीक है? इन फ्यूचर कभी भी ये कोई केस वेस डालने की बातें करती है, तो आपके पास प्रूफ हो कि सब इसने अपने मुँह से खुद ही एक्सेप्ट किया, खुद ही बोला अपने मुँह से। तुम हर जगह सेफ हो, क्योंकि तुम सच में रियल में तुम बहुत ही इनोसेंट हो यार। और मतलब किसी इनोसेंट इंसान के साथ ऐसा वो तो कोई सही बंदा बर्दाश्त करेगा भी नहीं, बिल्कुल भी। सो इस वीडियो को प्लीज़ एक शेयर करना, एक शेयर ज़रूर करना, ठीक है? एक शेयर करना, हर जगह करना, क्योंकि यार मतलब ये वीडियो जितनी आगे जाएगी ना, उतना ही लोग अलर्ट होंगे, और कोई भी गलती करने से पहले ना एक बार नहीं तो 100 बार ज़रूर सोचेंगे, मतलब 100 बार नहीं तो एक बार ज़रूर सोचेंगे, समझ रहे हो? तो लाइक करना, शेयर करना, और अच्छी वीडियो चलाते रहेगी। गाइज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जितनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जाओ यहाँ पे प्रोफाइल स्क्रॉल हो रहा होगा, जल्दी जाओ DM करो, और पूरी कोशिश करूँगी यार मैं आप लोगों की हेल्प करने की, ठीक है? लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग ऑल दिस।